और बड़ी खबर, इस वक्त पठानकोट में आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। शुरुआती जांच में इसके सबूत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले का पूरा प्लान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी हमले को जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान में थे। आतंकी हमले की पूरी साजिश रावलपिंडी में रची गई। विदेशी सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही भारत को ऐसे हमले को लेकर सतर्क किया था। मारे गए सभी आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सभी हमलावर पाकिस्तान के थे। पठानकोट आतंकी हमले के हमलावर और पूरी साजिश रावलपिंडी में रची गई थी। शुरुआती जांच में इसके सबूत मिल रहे हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले का पूरा प्लान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया था। जैश ए मोहम्मद ने इसे अंजाम दिया। आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान में थे। इस हमले की पूरी साजिश रावलपिंडी में रची गई। आपको बताएं, इस बारे में विदेशी सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही भारत को इस हमले को लेकर सतर्क किया था। और अब आपको बताते हैं पठानकोट से ताजा अपडेट क्या है। पठानकोट एयरबेस में आज एक बार फिर धमाका हुआ। यह धमाका तब हुआ जब सेना के जवान मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की डेड बॉडी निकाल रहे थे। ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यह धमाका ग्रेनेड ब्लास्ट है। उधर आतंकियों की तलाश में पठानकोट से गुरदासपुर तक सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कुछ आतंकी अभी इलाके में छुपे हो सकते हैं। वहीं पठानकोट आतंकी हमले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है। तो एक बार फिर से यह धमाका हुआ और यह धमाका बताया जा रहा है कि आतंकी की डेड बॉडी निकालते वक्त हुआ है। हालांकि ग्रेनेड ब्लास्ट यह बताया जा रहा है, कहां से कैसे ये निशाना बनाया गया, ग्रेनेड से या ग्रेनेड वहां फट पड़ा, अभी इसकी जांच चल रही है। लेकिन एक बार फिर ब्लास्ट हुआ है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है कि कहीं कोई आतंकी कहीं और दूसरी जगह छिपा तो नहीं है। पठानकोट से लेकर गुरदासपुर तक लगातार ये ऑपरेशन जारी है। और इधर पठानकोट में आतंकी के डेड बॉडी निकालने के वक्त धमाका हुआ है। पठानकोट आतंकी हमले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकसी बरत रही हैं और सर्च ऑपरेशन भी उनका जारी है। यह आशंका है कि कुछ आतंकी अभी इस इलाके में हो सकते हैं। अजय महाजन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय, जो ताजा ब्लास्ट बताया जा रहा है, धमाका हुआ है डेड बॉडी आतंकी के निकालने के वक्त, इस धमाके के बारे में क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा अजीत के अभी 9:15 बजे के करीब जो है एक धमाके की आवाज सुनी गई और बाद में सूत्र के हवाले से ये जानकारी जो है निकलकर सामने आई कि जब डेड बॉडीज जो है आतंकियों की, पांचों आतंकी जो मार गिराए गए थे, उनको जांच के लिए कि बॉडीज की पहले जांच की जाती है, उसके बाद फिर आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचकर बॉडीज देखते हैं, उसके बाद उनको निकालने का जब काम चल रहा था तो उस वक्त जैकेट के अंदर जो है वो एक गन्नेर जो है वो पड़ा हुआ था, जिसको जो दिखाई नहीं दे रहा था। जब खींच के उसको बॉडी को निकालने की कोशिश की गई तो इस जद्दोजहद से जो है वो ग्रेनेड का डेटोनेटर हिल जाने से ये ब्लास्ट हुआ है, और जिससे कि एक से ज्यादा जो है जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जी अजीत, शुक्रिया आपका ताजा जानकारी देने के लिए। और इधर मुंबई एटीएस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें कानपुर जाने वाली ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद कानपुर जाने वाली ट्रेनों की तलाशी की गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को गाजियाबाद स्टेशन पर 2 घंटे तक रोका गया, तलाशी ली गई। 2 घंटे तक ट्रेन की तलाशी ली गई। खबर यह मिली थी कि लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में कोई संदिग्ध चीज होने की आशंका है। पठानकोट हमले के बाद से लगातार अब सतर्कता बरती जा रही है और ऐसे माहौल में एक धमकी भरा ईमेल आया मुंबई एटीएस को
और ट्रेन को उड़ाने की इसमें धमकी थी, दिल्ली से कानपुर जाने वाली ट्रेन को, और इसलिए ये ईमेल भेजा गया दिल्ली के रेलवे अधिकारियों को, और इसके बाद अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जगह जगह तलाशी ली जा रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कई गाड़ियों को रोककर उनकी पूरी तलाशी ली गई और शताब्दी एक्सप्रेस को गाजियाबाद में रोका गया और वहां पर 2 घंटे तक इसकी तलाशी ली गई। और इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO नीरज शर्मा। किसी सूत्र से उनको बॉम्ब के बारे में पता चला है, इसके अनुसार ही कंट्रोल ने प्लान किया और गाड़ी को गाजियाबाद में रोका गया। गाजियाबाद में ये गाड़ी 6:48 पर आई थी, वहां पर सभी पैसेंजर्स को उतार कर सामान की और गाड़ी की पूरी चेकिंग करी गई, जिसमें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस गाजियाबाद के लोग थे, यूपी पुलिस के, सिविल पुलिस भी आई थी और RPF के लोग भी थे, साथ ही डॉग स्क्वाड एंड बम स्क्वाड को भी रखा गया था और पूरी चेकिंग में कुछ नहीं पाया गया। 7:40 पर गाड़ी का क्लियरेंस हमको मिल गया था और 7:52 पर वो आगे चल दी है। और इसी रूट पर एक गाड़ी और जानी थी, नीलांचल एक्सप्रेस, जो 6:30 पर नई दिल्ली से चलती है, उसको 50 मिनट रोका गया था और उसके बाद इसको गाड़ी को चला दिया गया है। बाकी सभी ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मल है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यूपी में अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है, आए दिन बेहाली की खबरें आती रहती हैं। अस्पतालों में मरीजों की तीमारदारी तो छोड़ दीजिए, अब उनकी जान पर भी आफत आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं बरेली के 2 अस्पतालों का हाल, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, बीमार हैं। आप देखिए एक साथ ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर बरेली के जिला महिला अस्पताल की है, जहां एक नवजात के शव को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा गए। वहीं दूसरी तस्वीर बरेली के ही जिला अस्पताल की है, यहां एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई। ये आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ये मौत हुई है। ये है बरेली का जिला महिला अस्पताल, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। जरा इस बोर्ड को देखिए, लिखा है 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं। लेकिन सेवाएं कैसी हैं? इसकी बानगी तब सामने आई जब यहाँ एक नवजात के शव को आवारा कुत्ते नोच कर खा गए। ऐसा था कि वो बच्चा जो था वो मृत था, तो हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर होती है वो प्रेरक नहीं देती कभी भी आशा को, जब तक कि वो उसको शमशान में जो अटेंडेंट है वो लेके नहीं जाता, दबा के नहीं आता, मृत बच्चा था। CMS साहिबा सिस्टम की दुहाई दे रही हैं, कह रही हैं कि कैसे मृत बच्चे के लिए अस्पताल में एक सिस्टम है जिसका पालन करना होता है। मृत है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लावारिस छोड़ दिया जाए, और इसकी क्या गारंटी है कि जो आवारा कुत्ते एक शव को नोच सकते हैं वो जिंदा बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि बाउंड्री टूटी हुई है, इसलिए हम जो है चौकीदार वगैरह हम लोगों ने सख्त आदेश दिए हुए हैं कि देखते ही डंडा मारना, नगर पालिका को भी मैं लेटर लिख चुकी हूँ। बेहाली और लापरवाही का ये आलम सिर्फ इस महिला अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के दूसरे अस्पताल भी ऐसे ही बेहाल हैं। अब जरा बरेली के दूसरे जिला अस्पताल का हाल जान लीजिए। यहाँ एक महिला को 108 एम्बुलेंस सर्विस से लाया गया था, लेकिन महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि महिला की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई है। हमारी माँ बीमारी 3-4 दिन से खाने नहीं खा रहे हैं, 3 दिन से, तो डॉक्टर हम वहाँ ले गए सरकारी अम्बुलेंस के अंदर, तो हमने चलो बोले यहाँ फायदा नहीं होगा, बरेली ले जाइए, यहाँ हमें कम से कम 2 घंटे से ज्यादा हो गए लाए हुए, मेरे डॉक्टर ने कोई देखभाल नहीं करी। आरोप है कि तबीयत बेहद खराब होने के बावजूद डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे तक मरीज की सुध नहीं ली, वो भी तब जब परिवार बार बार डॉक्टरों से मिन्नतें करता रहा। घर के जो अटेंडर थे उन्होंने जब देखा ना कि हालत पेशेंट ही खराब हो गई है, कुछ भी बोल नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने बताया, तो उन्होंने आके देखा डॉक्टर साहब ने, तो वो एक्सपायर हो चुका था पहले से। बरेली के इन 2 बड़े सरकारी अस्पतालों का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चरमराई हुई हैं। जाहिर है सबसे पहले इन अस्पतालों का इलाज जरूरी है। सुबोध मिश्रा, बरेली, इंडिया 24/7।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैसूर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आपको हम सीधे लिए चलते हैं मैसूर। We were consistent in our message that it is not enough to speak of targets and restraints. It is essential to find solutions that help us transition easily to a future of clean energy. I also said in Paris that innovation is important not just for combating climate change but also for climate justice. For the developed world must leave enough of the leisure carbon waste left for developing countries to grow. For this, we need research and innovation to make clean energy technology available, accessible and affordable for all. At Paris, President Hollande, President Obama, I joined a number of global leaders for an innovation summit. We pledged to double national investment in innovation and build a global partnership that combines the responsibility of government with the innovative capacity of the private sector. I also suggested an international network of 30-40 universities and labs focusing for next 10 years on transforming the way we produce, distribute and consume energy. तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। बहरहाल और बढ़ते हैं अब आगे खबरों में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर एक विधायक ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी से निलंबित चल रहे टिहरी के घनसाली के विधायक भीमलाल आर्य भिलंगाना ब्लॉक पहुंचे, मुख्यमंत्री हरीश रावत के जूते उतारने को लेकर चर्चा में। दरअसल मुख्यमंत्री हरीश रावत भिलंगाना ब्लॉक की हिंदाव पट्टी में आयोजित जगदीशिला मेले में शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरते ही वहां मौजूद विधायक भीमलाल आर्य से गले मिले और इसके बाद सीएम और विधायक जगदीशिला देवी के दर्शन के लिए मंदिर के गेट पर पहुंचे। लेकिन यहां पर विधायक ने पहले मुख्यमंत्री के पैर छुए और फिर उनके जूते उतारे। हालांकि इस मामले के बाद भी भीमलाल ने खुद को बीजेपी का निष्ठावान सिपाही बताया। कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत के पैरों पर पड़े ये हैं बीजेपी से निलंबित विधायक भीमलाल आर्य। वही भीमलाल आर्य जो अपने कामों से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। भीमलाल आर्य के बयानों से तंग आकर बीजेपी ने उन्हें पिछले साल पार्टी से निलंबित क्या किया। उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब वो कांग्रेसी नेताओं को भी पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत के जूते उतारने पहुंच गए। एक तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ बीजेपी से निलंबित विधायक भीमलाल आर्य। भीमलाल आर्य ने आओ देखा न ताओ, न बीजेपी की विचारधारा की परवाह की, न खुद को पार्टी से बाहर निकाले जाने की चिंता। भीमलाल आर्य ने पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत के पैर छुए और फिर जूतों को बड़े प्यार से निकाला, ऐसे मानो वो जूते ना हो बल्कि हीरे मोती से सजा कोई ताज हो। देखिए कितनी शिद्दत से जूते उतारने में लगे हैं भीमलाल आर्य। इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनकी इस हरकत से बीजेपी और ज्यादा नाराज हो सकती है और उनकी हमेशा के लिए पार्टी से छुट्टी हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री हरीश रावत भिलंगना ब्लॉक के हिंदावपट्टी में आयोजित जगदीशिला मेले में शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरते ही वहां मौजूद विधायक भीमलाल आर्य से गले मिले
इसके बाद सीएम और विधायक जगदीशिला देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर के गेट पर पहुंचे। अब मंदिर जाना है तो जूते उतारने थे, लिहाजा मुख्यमंत्री के जूते उतारने का जिम्मा खुद विधायक भीमलाल आर्य ने संभाल लिया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी आशीर्वाद के तौर पर उनके सिर पर हाथ रख दिया। हालांकि जब इस मामले पर पत्रकारों ने भीमलाल आर्य से सवाल पूछा तो उन्होंने पहले तो खुद को बीजेपी का निष्ठावान सिपाही बताया और फिर कहा कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री जन प्रतिनिधि से पहले एक बुजुर्ग हैं। अब विधायक भीमलाल आर्य चाहे जो भी कहें, लेकिन जानकार इसे उनकी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। भाई, बीजेपी ने अगर पार्टी से निकाल दिया तो कोई तो चाहिए सहारे के लिए। मुकेश पवार, इंडिया 24/7, टिहरी। इधर यूपी के आगरा में आग का कहर देखने को मिला है। थाना एमएम गेट इलाके में साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा शोरूम आग की चपेट में आ गया। दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। घटना देर रात की है। आग उस वक्त लगी जब शोरूम बंद था। कपड़ा मार्केट के चौकीदार ने आग की लपटों को देखने के बाद शोरूम के मालिक को बुलाया। उसके बाद आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में लापता इंटर कॉलेज की छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल संदिग्ध हालात में छात्रा लापता हो गई थी। मामला सिंघावली अहिर इलाके का है, जहां 10वीं की छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन तब से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। छात्रा अमीन नगर सराय के दिगंबर इंटर कॉलेज में पढ़ती है। उसके परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई है। परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही। वहीं पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और छात्रा की तलाश की जा रही है। तो अब तक इस छात्रा का कोई पता नहीं चल पाया है। बागपत में लापता इंटर कॉलेज की छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुलदीप चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कुलदीप, ये आशंका जता रहे हैं परिजन की अपहरण हो सकता है छात्रा का, इसके बावजूद पुलिस किस तरह से इस पर काम कर रही है? क्या केवल गुमशुदगी का मामला समझकर वो ट्रीट कर रही है? बिल्कुल, देखिए अजीत, मैं बता दूं कि जो सिखेड़ा गांव से जो छात्रा लापता है, अमीनगर सराय में पढ़ती थी, तो जो परिजनों का यही आरोप है कि उसकी जो है अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। हालांकि आज जो अधिकारी ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और अधिकारी जल्द बरामद करने की बात कहे, लेकिन अभी तक भी लड़की का कोई भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात बरेली की करते हैं। बरेली में एक महिला के साथ पुलिस बूथ में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे इलाके का है। पीड़ित के मुताबिक शुक्रवार रात शराब के नशे में एक रिक्शा चालक उसे जबरन पुलिस बूथ में ले गया और फिर उसके साथ रेप किया। पीड़ित मूल रूप से बदायूं की रहने वाली है। पीड़ित का पति भी रिक्शा चलाता है। फिलहाल पुलिस पीड़ित को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस ने भेज दिया है। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। उसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि एक व्यक्ति ने जो दारू पीकर उनसे मारपीट किया है और उनके साथ छेड़छाड़ की है। इस संदर्भ में तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मेडिकल की कार्रवाई कराई गई है और इसमें जो बाकी मेडिकल है उसकी प्रक्रिया चल रही है। मजीद बयान लेकर के उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो व्यक्ति हिरासत में ले लिया गया है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की पिटाई के बाद गोली मारने की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। ये घटना 31 दिसंबर की है, जब नई मंडी थाना क्षेत्र में श्रीराम कॉलेज परिक्रमा मार्ग पर कुछ लड़कों में झड़प हो गई। एक लड़के को कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर जमकर पीटा और फिर गोली मार दी। अंकुर नाम का लड़का बीच सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बाद में पुलिस ने अंकुर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया, जहां वो जिंदगी के लिए मौत से जूझ रहा है। अंकुर शर्मा कॉलेज के बाहर फोटो स्टेट की दुकान चलाता है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, जो श्रीराम कॉलेज ऑफ ग्रुप में बीसीए के छात्र हैं। पकड़े गए छात्र गौरव शर्मा ने यह बताया है कि कॉलेज में चल रही न्यू ईयर की पार्टी को लेकर अंकुर से उनका झगड़ा हुआ था।
दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी चर्चा हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे खूब जगह मिल रही है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसका हिस्सा बन गए। उन्होंने दिल्ली में चल रही इस मुहिम पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि साइकिल ऑड और इवन दोनों के बराबर है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के साथ ही साइकिल की फोटो भी डाली है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है।